जैसा कि आपको पता होगा Amazon पे ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल चल रहा है और यही सेल Flipkart पे बिग बिलियन डे सेल के नाम से चल रहा है और इस सेल के नाम से आपको बेवकूफ बनाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको बेवकूफ नहीं बनना है और कैसे आप जो है बिग बिलियन डे सेल पे जो है फायदा उठा सकते हैं। अगर आप भी काफी समय से इंतजार कर रहे थे सेल का और अगर आपको कोई सामान खरीदना है लेकिन अगर आपको पता नहीं है कैसे ऑफर चेक किया जाता है और कैसे सेल का फायदा उठाया जाता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वरना फिर आप भी बन जाइएगा बेवकूफ। चलिए मैं आपको बताता हूँ किन बातों को आपको ध्यान रखना है जिससे आप जो है बेवकूफ ना बने और सेल का असली फायदा उठा सके। देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है कोई भी सेल में जो है कुछ भी ऑफर दे करके जो है कुछ भी परचेस कर लेते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना है। कोई भी सामान खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला बात यह है कि जब भी आप यहाँ पे Amazon पे जाते हैं और यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे देखने जाते हैं, एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक सामान जो है सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मॉनिटर सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो मॉनिटर है इसका प्राइस अभी जो है शो कर रहा है 15,499 रुपया और इसके बगल में आपको एक निशान देखने को मिल रहा है जिसपे लिखा हुआ है 32,000 रुपया और यहाँ पे 52% का छूट मिल रहा है। हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MRP यहाँ पे 52% छूट दिख रहा है और यहाँ पे 32,000 का ये प्रोडक्ट जो है मुझे 15,499 रुपया में दिख रहा है। अब काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है यहाँ पे 50% डिस्काउंट हो गया यानी कि 15,000 रुपये डिस्काउंट हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली होता क्या है, कंपनी वाला आप लोगों को काटने के लिए यहाँ पे जो कुछ भी प्राइस लिख देते हैं और कुछ भी यहाँ पे परसेंटेज घटा देते हैं। अगर आपको एक्चुअल जानना है कि कितना प्राइस डिस्काउंट हुआ है ये प्रोडक्ट का और कब कब डिस्काउंट हुआ है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इसी में सब बहुत ही आसानी से किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस को चेक कर सकते हैं। आज से 1 महीना पहले या फिर 6 महीना पहले कितना प्राइस का ड्रॉप हुआ था आप जो इसे पता कर सकते हैं और उस हिसाब से जो है प्राइस अगर डिस्काउंट आपको मिले तो आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं यही प्रोडक्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे ऊपर के साइड में इसका लिंक को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिंक को कॉपी कर लिया और यहाँ पे कॉपी लिंक पे मैंने क्लिक कर लिया। इसी प्रकार से आपको जो भी सामान खरीदना है उसका लिंक को कॉपी कर लेना है और आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। सिंपली यहाँ पे प्ले स्टोर पे आ जाइए, यहाँ पे प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको लिखना है प्राइस हिस्ट्री। प्राइस हिस्ट्री लिखकर के आप सर्च कर दीजिए और ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। हम यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है तब तक मैं आपको बता दूं इसका फायदा क्या है। अब इस एप्लीकेशन की वजह से आप ये पता कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस कब और कितना डिस्काउंट हुआ था, कितना अप हुआ था, कितना डाउन हुआ था। कोई भी प्रोडक्ट Amazon या फिर Flipkart पे आता है तो उसका प्राइस कभी भी सेम नहीं होता है, कहीं बहुत हाई होता है कभी बहुत लो होता है। इस एप्लीकेशन में से आप ये पता कर सकते हैं कि इसका प्राइस कब कम हुआ था और कितना कम हुआ था, उस हिसाब से आप अपना ऑफर देख करके इसको खरीद सकते हैं। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो हम अकाउंट बना लेते हैं, अपने गूगल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, आपको भी कर लेना है। और यहाँ पे मैंने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर से आपको कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पे हम कैमरा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे गेमिंग और यहाँ पे 2-3 कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे वाला बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है आने के बाद अब इसका होम पेज पे आ जाइएगा। अब मान लीजिए मुझे जो उस प्रोडक्ट का प्राइस चेक करना है तो यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा सर्च का, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको वो वाला लिंक डाल देना है जो आपने वहां से कॉपी किया था। लिंक यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट दिखा रहा है, यहाँ पे हिस्ट्री आ गया, यहाँ पे 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर और ऑल आ गया, आपको ऑल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे नीचे के साइड में ग्राफ है, आप देखिए यहाँ पे जो है कितना तारीख को इसका प्राइस कितना हुआ था, आप ध्यान से पूरा देख सकते हैं। देखिए एक टाइम पे इसका प्राइस था 28 जनवरी 2022 को 21,999, उसका जिसका प्राइस डिस्काउंट हुआ था 18,000, फिर अप हुआ था 18 और यहाँ पे फिलहाल के टाइम में जो है ये जो है मिल रहा है 15,499। अब यहाँ पे देखिए इसका मैक्सिमम प्राइस था 22,000 रुपया लेकिन यहाँ पे Amazon के अंदर इसका दिखा रहा है डिस्काउंट 50% यानी कि जो है यहाँ पे 32,000, तो 32,000 इसका प्राइस कभी गया ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपको उल्लू बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अभी फिलहाल इसका प्राइस यहाँ पे चल रहा है 15,000 और मैक्सिमम इसका गया हुआ है 18-19, एवरेज प्राइस इसका जो रहता है वो 17,000 से 18,000 के बीच रहता है, लेकिन अभी जो है 15,000 है तो ये एक्चुअल में डिस्काउंट है, 2-3 हज़ार का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप चेक करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदिएगा तो आपको नुकसान नहीं होगा, आप फायदे में रहिएगा और सेल का असली मजा आप उठा पाइएगा। तो अगली बार से कोई भी ऑर्डर करते समय आपको इस बात को ध्यान रखना है, चाहे वो सेल हो या फिर ना हो, अगर आपको डिस्काउंट लगे तो खरीद लीजिए, नहीं लगे तो आप उसको मत खरीदिए, कुछ दिन वेट कीजिए, आपको इससे अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।